जिनमें नमाज़ जिसको सबसे अव्वल मर्तबा हासिल है फिर रोज़ा ज़क़़़़़ और हज भी एक अहम इबादत है हज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान मीकात पर जाने के बाद और अहराम की हालत में होने के बाद बहुत सारी पाबंदियों में आ जाता है चुनानचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अहराम से पहले उसके लिए हलाल थी वो अब हराम हो जाती हैं इसीलिए अहराम अहराम कहा जाता है और जो कपड़ा उस हालत में पहना जाता है लोग उसे भी अहराम कहते हैं जिसका मतलब है कि अब वो ऐसी हालत में है हज करने वाला या उम्रा करने वाला ऐसी हालत में है कि जिस हालत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अहराम की हालत से पहले हलाल थी, अब वो उसके लिए हराम है ये शरिय हुक्म है और इसके मुखालफत करने वाला अल्लाह रब्बुल रब्लम की नज़र में गुनाहगार है और उसके ऊपर कफारा यानी दम भी वाजिब होता है जहाँ तक मामला है हमारे इस मौजू का हज से ताल्लुक़ तो एक निकाह की किस्म है जिसे नबी अक्रम सम ने हराम करार दिया है और उसका तल्लुक हज से है चुनान्च हज या उम्र करने वाला कोई भी शख्स निकाह नहीं कर सकता है जिसका मतलब यह है कि जो शख्स एहराम की हालत में हो चाहे वो हज के लिए अहराम उसने बांधा है या फिर उम्र के लिए अहराम बांधा है उसके लिए हराम है कि वो उस हालत में शादी करे निकाह करे बाज लोग इसके बरखिलाफ कहते हैं इसको जायज़ कहते हैं और दलाल लाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वो दलाइल जो हरमत पे दलालत करते हैं वो दलाइल जो इसको नाजायज बताते हैं वो ज्यादा सही और ज्यादा कवि हैं आइए हम उन दलाइल पर एक नज़र डालते हैं कि नबी अक्रम सल्ह वसलम ने इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाइयाँ फरमाई हैं सही मुस्लिम की हदी से नबी अक्रम सरमान है कि लायन के मुहरिमू वाय कि नहीं ही मुहरम हालत एहराम में निकाह करेगा नहीं ही उसका निकाह कोई दूसरा करवा सकता है और अगर इसको इस तरह से पढ़ें वला यून केह तो इसका मतलब होगा कि वो किसी दूसरे का निकाह नहीं पढ़ा सकता है यानी किसी दूसरे के निकाह अगर उसको हम इस दूसरे तरीके से पढ़ें या बाज़ल ने इस तरीके से भी पढ़ा है कि वला यून तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो किसी दूसरे के निकाह में वली नहीं बन सकता है किसी दूसरे का निकाह करवा नहीं सकता है उसका ये मतलब होगा गोया इस जुमले से ये साबित हुआ कि नहीं निकाह करना दुरुस्त है इस हालत में नहीं कोई दूसरा शख्स उसका निकाह करवा सकता है नहीं ये किसी और का निकाह करवा सकता है आगे फरमाया कि वलायुब नहीं हालत अहराम में ऐसा शख्स पैगाम भेज सकता है यानी रिश्ता भेजना भी इस हालत में हराम है चे जाए के इस हालत में निकाह के आमाल अंजाम देना वो बदरज औला हराम है जब आप पैगाम नहीं भेज सकते जो कि निकाह से बहुत पहले की चीज है अब निकाह इस सूरत में क्यों कर जायज और कैसे जायज हो सकता है तो ये एक हदीस है जो आपके सामने पेश की गई अब्दुल अब्दुल्बर रही फरमाते हैं फिल्लाफत आसार मैमुना से जो हुआ था इस सिलसिले में जो आसार जो अहादीस वारद हुई हैं कहते हैं कई मुख्तल फ़ी हैं कई एक आसार वारद हुए हैं कई एक अहादीस आई हैं वखतल फीजा लिखा वाल इस सिलसिले में सरत निगारों का और अहले इल्म का अख्तिलाफ़ भी है फ़जा अतबाद आशारी बे रसूल सला वम तज्वजह हलालन बाज़ अदीस में बाज़ आसार में ये वारिद हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममूना रज़ील से हालत हिल में शादी की थी मतलब ये कि ऐसे वक्त में निकाह किया था जबकि आप अलैहि वसल्लम अभी अहराम की हालत में नहीं गए थे उन्होंने अहराम नहीं बांधा था तो ऐसे वक्त में निकाह किया था फरमाते हैं वतत मुतवातिर मिन तरकिन शत्ता के कई एक मुख्तलिफ तुरुक से मुतवातिर रिवायत ऐसी भी वारिद हुई हैं जिनमें ये अल्फाज हैं या ये बयान है कि नबी वसल्लम ने ममूना रजा से हालत हलाल में ही शादी की थी हालत में शादी नहीं की थी और यही कौल अबूफ जो कि नबीम सलम के गुलाम थे सुलेमान इबन असाब यजीद इबन अलासम सईद इब्न अबू बकर बकरन अब्दुलरहमान इब्न शहाब और बेशुमार दूसरे का यही कौल है कि नबी अक्रम सल्ला वसलम ने हालत हलाल में ऐसी हालत में जबकि आप अभी अहराम की हालत में नहीं गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था फिर आगे फरमाते हैं वमा आलम अहद मिन सहाबा मैं किसी ऐसे सहाबी को नहीं जानता हूँ मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि किसी सहाबी ने रवा अनहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया हो अन्ना अलैहि सलाम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकाह मैमूना ममोना रज़ा से निकाह किया व हुआ महरिमुन और आप अलैहि वसल्लम हालत अहराम में थे इब्न अब्बास सिवाय इब्न अब्बास के यानी ये कौल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हालत में ममूना रजल से निकाह किया ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इब्न अब्बास रजलुमाुआ का बयान है अलबत् उनके अलावा जितने सहाबी हैं या जिन सह कराम ने इस रवायत को बयान किया है इस वाक्य को बयान किया है उन्होंने हालत अहराम की बात नहीं की है ये सिर्फ इब्न अब का फरमान है फरमाया कि वह अब्बास सही है की हदीस भी सही है और साबित भी है अलबत् बात यह है कि उनकी हदीस दूसरी सही अहादीस के मुखालिफ है मुतारिज है टकराव हो रहा है फैस तो ऐसी सूरत में हजरत इबन अब्बा सजमा की रिवायत का एतबार नहीं होगा खत्म हो जाएगा साकित हो जाएगा और ये कायदा है हदीस का कि जब बहुत सारे रावी यानी कई एक फा रावी कई एक हादीस जो सही हैं, उनमें एक बात हो और एक रावी दूसरी बात कह रहा हो जो उसके मुखालिफ हो तो ऐसी सूरत में ज्यादा लोगों की रिवायत ज़्यादा लोगों की बात ज़्यादा लोगों से मनकूल हदीस को हम सही करार देते हैं और जो एक या दो रावी से हो एक या दो सिका रावियों से साबित हो वो हदीस नाकाबिले एतबार ठहरती है ये उसूल है यहाँ भी इबिन अब्दुलबर रही ने हदीस के इसी उसूल के तहत हजरत इबन अब्बा सद्न की हदीस को नाकबिल एतबार करार दिया इसलिए नहीं कि हज़र इबन अब्बासमा नाकबिल एतबार है नहीं ये बिल्कुल नहीं है बल्कि इसलिए कि यहां ज्यादा का और कम का मसला है और एहतियात यह है कि ज्यादा की बात को ली जाए तो जो शख्स ओसूल हदीस जानते हैं पढ़ते हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं वो अदीस जिनमें इस बात की सराहत और वजाहत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना अन्हा से हालत हलाल में निकाह किया था हालत अहराम में नहीं मैं उनमें से बाद अहदीस आपके सामने पेश करता हूँ यजीद इब्न असम बयान फरमाते हैं हदसतनी मैमू निन तुलारिस मुझसे ममूना बिन तुलहारिस रजी अल्लाह ने बयान किया वालती वत इबन अब्बास और वो मेरी और इब्न अब्बास की खाला हैं सल्लाजहा रसूल सल्हम ने उनसे निकाह किया शादी की वह हुआ हलाल और ममूनाज्ला फरमाती है की आप सल्लाम हालत हलाल में थे आपने अभी अहराम नहीं बांधा था वह बना भी हा वह हुआ हलाल और ये भी कहा कि आप वसल्लम ने जब आपसे बिना की बिना का मतलब जो एक शोहर अरबी के खास मामलात होते हैं जब वो किया तो कहती हैं कि उस वक्त भी आप की हालत में नहीं थे आप हलाल ही थे इस हदीस को इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन में नकल किया है ये गवाही खुद साहिब वाक़ की है यानी हज़र महमूनाज के निकाह के गुफ्तु चल रही है निकाह के, के आपसे निका किया जैसा कि वाक़ मनकूल है लेकिन जब हमने साहिब वाक़ के कौल को देखा उनकी रवायत को देखा तो उनकी रवायत में यह सराहत है कि आप सल्लाम ने उनसे हालत हिल में हलाल हालत में आप सल्लाम ने निकाह किया था साथ ये भी इजाफा बयान फरमाया जब खास तल्ल कायम किए तो वो भी हलाल होकर कायम किए और साहेब वाकया जिसका मामला हो जिसके साथ ये वाकया हुआ हो उससे ज्यादा इस बात को इस वाक को कौन जान सकता है और उससे ज्यादा सही इस वाकई को कौन बयान कर सकता है लिहाजा ये हदीस उस हदीस के मुकाबले में ज्यादा काबिल एतबार है हज़रत मैमूना ही एक दूसरी हदीस एक दूसरी रवायत मनकूल है फरमाती हैं तजव्वजनी रसूल सल्लास वन बी शरीरीफ़ रसूल सल्हु वसम ने मुझसे निकाह किया मुझसे शादी की और हम दोनों मकाम शरीफ में एक जगह का नाम है शरीफ। कहती हैं कि हम दोनों मकाम शरीफ में हालत हलाल में थे अहराम की हालत में नहीं थे ये रवायत पहली रवायत के मुकाबले में और ज़्यादा वाज है पहली रवायत में ये था कि सिर्फ़ नबी अक्रम के बारे में हजरत ममोना अनहा ने ख़बर दी कि आप हालत हलाल में थे इस रवायत में ममोना रजल्हा ने यह ख़बर दी कि नबी अक्रम सलील वसलम भी हालत हलाल में थे और वो भी ख़ुद भी हालत हलाल में थी एहराम की हालत में नहीं थी इस रवायत को इमाम अबू दाऊद रहल्ला ने अपनी सुनन में बयान किया है इस रवायत के ज़रिए ये इश्काल भी झायल हो गया कि हो सकता है कि ममूना अन्हा अत हलाल में नहीं रही होंगी क्योंकि पहली रवायत में सिर्फ एक का तस्करा था का वह हुआ हलाल आप सल्ला वसम हलाल थे इस रवायत ने उस शक को भी जायल कर दिया उस शक को भी खत्म कर दिया कि आप दोनों हालत में थे यही मसलक यही मसल कर रिदवान आल अजमीन के दरमियान भी था चुनानचे कई एक वाकआत हैं और कई एक मकाम पर सहाबा कराम ने लोगों को मना किया कि हालत अहराम में निकाह न किया जाए और कई एक मकाम पर ऐसे निकाह करने वाले के दरमियान तफरीक भी कर दी गई इन शह उनमें से भी बाज आसार को आपके सामने पेश किया जाएगा पहला असर इकरमू से है फरमाते हैं सल तो अब्दुल्ला इबन उमर कि मैंने अब्दुल्ला इबन उमर रजील्लामा से सवाल किया अन इमर अबाद अय तजव जहाजुल एक ऐसी औरत के बारे में जिससे एक शख्स ने शादी और निकाह का इरादा किया वह मक्का वो शख्स अभी मक्के से बाहर है उसका इरादा है कि वो हज या उमरा करे फकाल ला तजव्व जहा वि फरमाया कि तुम उससे हालत ihram में शादी ना करो नहा रसूलुल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है इस हदीस को इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपनी मुसद्द में बयान किया है इब्न उमर रजील्लाहु अनुमा ने सवाल करने वाले को यह फतवा दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है लिहाजा अगर हज या उमरे का इरादा कर लिया है इरादा का मतलब एहराम बांध लिया है इरादा एक होता है कि बंदा एक साल पहले से इरादा करता है कि मैं जाऊंगा हज को मैं जाऊंगा उम्र को ये इरादा मुराद नहीं है वहां पर यहां पर यह इरादा यानी वो एहराम में दाखिल हो चुका है यानी हज या उमरे में दाखिल हो चुका है यहां पर यह मुराद है तो फरमाया कि अगर ऐसा हो चुका है हज या उमरे में दाखिल हो चुका है नीयत कर चुका है तो अब वो निकाह नहीं कर सकता है एक दूसरी रवायत है यानी दूसरा असर है दूसरा वाक़ है अबू अबूतफान इब्न तरीफ अलमर्री बयान करते हैं अन्न अबाह तरीफ अन तज्व जमन वह मुहरिम उनके उनके तरीफ़ ने एक औरत से शादी की निकाह किया हालत एहराम में थे फ़रदा अब्नलताब निकाह उमर अब्नखताब रजी अल्लाह उन्होंने उसके निकाह को रद्द और बािल कर दिया इस हदीस को इमाम तबरानी ने बयान किया है और इमाम शाफी ने अपनी मुसंद में बयान किया है उसी तरह से इमाम बीकी ने भी इस रवायत को नकल किया है और अलामा अलबाई रला ने इस असर को इस रवायत को इवाल में सही करार दिया ये वाक़ इस बात की बयीन और वाज दलील है कि ख़लीफ़ा ानी ने जब यह सुना जब उन्हें ये मालूम हुआ कि किसी ने हालत अहराम में निकाह किया है तो आपने न सिर्फ ये कि उनको निकाह का हुक्म बताया बल्कि उनके निकाह को बातिल कर दिया निकाह ही मुनद नहीं हुआ तो सहाब कर और खसूस खलीफानी हज़रत उमर रजील से यह साबित है कि उन्होंने ऐसे निकाह को लगव और बातिल करार दिया है नीज अली से मनकूल है फरमाते हैं लायन के मुहरिम हालत एहराम में मुहरिम शख्स निकाह नहीं कर सकता है फिन न कहा निका अगर उसने निकाह किया तो उसका निकाह बातिल और लगव हो जाएगा मुनद नहीं होगा निकाह बातिल हो जाएगा इस असर को इमाम बहीकी रहम्ला ने नकल किया है और अलबाई र्ला ने इस असर को इरवाउल गलील में सही करार दिया अब इन अहदिस और आसार की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज हो जाती है कि हालत एहराम में निकाह जायज नहीं है और अगर किसी ने ऐसा किया निकाह किया तो उसका निकाह लगव और बातिल करार दिया जाएगा यही तमाम रवायात को जमा करने से खुलासा निकलता है और यही सहब कराम का शेवा रहा है यही खलीफ़े सानी हजरत उमर रजी का फ़ैसला है और यही खलीफ़े रब हज़रत अली का भी फतवा और हुक्म है यहाँ मैं एक मसला जिक्र करना चाहूँगा चूँकि जब हजाज हज करने को जाते हैं तो अब एक रस्म के तौर पर समझ लीजिए या एक बस आदतन वो जो प्रोग्राम्स होते हैं कि हज की तरबियती कैंप्स लगते हैं आम तौर से तो यही होता है कि उसमें हज कराम जाते हैं और बैठते हैं और तालीम का जो एक सही नज़म होता है तालीम का जो सही तरीक़ा होता है उस तरीके के मुताबिक वो तालीम हासिल नहीं करते है क्योंकि तालीम जो होती है वो एक एक करके ली जाती है जबकि के राम एक या दो दिन में हज के मुकम्मल मसाइल को सिर्फ सुन करके आ जाते हैं उन्हें फिर बाद में याद नहीं होता कि हमने क्या सुना है और हमें क्या करना है ये एक बहुत बड़ा मसला है यहां फिर एक मसला आता है कि अगर कोई हाजी या कोई उम्र करने वाला हज या उमरे को गया जाने के बाद उसने उमरा मिसाल के तौर पर उम्र मुकम्मल कर लिया अलबत् हलक या बाल को छोटा नहीं करवाया उम्र करने के बाद नहीं करवाया उसे इल्म नहीं है बहुत सारे ऐसे मोतमरी के बारे में खबर मिलती है कि उन्हें इल्म नहीं होता है कि यह भी एक उम्र के अहकाम में से हैं और यह भी उसके वाजिबात में से हैं नहीं करवाया और उसके बाद नहीं उसने किसी से पूछा और नहीं उसने किसी को बताया वहां से वापस वो अपने मुल्क आ गया और उसके बाद उसने या तो शादी कर ली या शादी का इरादा कर रहा है अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल है ये कि ऐसा हुआ कि जब उम्रे का उसके तस्करा हुआ बात निकली किसी साथी से बात कर रहा था तो साथी ने उसको बताया कि मैंने तवाफ किया फिर उसके बाद सही की फिर मैंने ऐसे किया ऐसे किया फिर जाकर के बाल छोटे करवाए या बाल हलक करवाए फिर मदीना गया तो जब उसने सुना कि बाल हलक या बाल को छोटा करवाया है तो उसे याद आया कि उसने तो ये अमल किया ही नहीं था उसने पूछा कि भाई ये भी कोई उम्र का एक हुक्म है क्या उसने कहा कि ये तो वाजिब चीज है भाई अब वो दौड़ा दौड़ा मुफ्ती साहब या आलिम के पास गया और कहा कि मैंने तो बाल छोटे या फिर बाल हलक करवाए ही नहीं है ये शख्स अभी तक हालत अहराम में है बाहर नहीं निकला है अभी तक हालत एहराम में है जब तक के वो बाल छोटा या बाल हलक न करवा ले वो हालत हराम में है और अगर ऐसा शख्स शादी कर लेता है ला इल्मी में तो उसकी शादी हालत एहराम में होगी और जब उसको मालूम हो उसको निकाह नए सिरे से करना होगा अपना मामला कंप्लीट करके अगर बाल छोटा उसने नहीं करवाया है या हलक नहीं करवाया है तो वो कपड़ा अपना उतारेगा जो पहने हुआ है और फिर उसके बाद एहराम का कपड़ा पहन करके बाल हलक करवाएगा या बाल छोटा करवाएगा और फिर उसके बाद अगर शादी अभी करना चाह रहा है तो शादी करेगा या शादी हो चुकी है तो फिर से निकाह करेगा और जो बच्चे हो चुके हैं वो जायज होंगे क्योंकि इसको निकाह शुभा कहते हैं और इसमें जो है औलाद जो होती है वो जायज़ होती है और ये निकाह के हुक्म में आता है ज़िना के हुक्म में नहीं आता है तो इससे ये लाजिम आया कि हम शरी अहकाम दीनी अहकाम सीखें ताकि हमसे गलतियों का एहतमाल कम हो होंशअल्ला मैं आपके सामने अगली किस्तों में और भी मजीद बातों के साथ हाजिर होता रहूँगा हमारे साथ जुड़े रहें सुनते रहें तब तक के लिए अल्लाह हम सबको अपने हिज्ज अमान में रखे वरहमत वरक अलहमदल इस वीडियो को बनाने में एक भाई ने अपने बेटे के सदकाए जारिया के लिए पूरा ताउन किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें